एक जमाने का जिक्र है जब गर्मियां चल रही थी। जंगल में रहने वाले तमाम जानवर, परिंदे और कीड़े गर्मियों के मजे ले रहे थे और उन्हें खाना ढूंढने में भी कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। और ग्रास हॉपर के लिए ये एक आम दिन था। वो अपनी जमा की हुई जड़ें खा रहा था और साथ में वायलिन बजा रहा था एक पेड़ के नीचे बैठकर। ला ला, मैं गारा गा रहा हूँ अपने वालन के साथ और मेरी आवाज भी कितनी खूबसूरत है। ला ला ला, ला ला। जब उसने इतना बेसुरा गाना खत्म किया, उसे एक आवाज आई। उसने गौर से सुना। ये जानने के लिए ये आवाज किसकी और कहां से आ रही है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने देखा कि काफी दूर से कुछ चींटियां अपने रास्ते पर जा रही हैं। बड़ी मेहनत से वो चींटियां अपने अपने लिए खाना लेकर जा रही थीं, जो कि उन्होंने बड़ी मुश्किलों से ढूंढा है। ग्रास हॉपर जल्दी से नीचे कूदा और वो बहुत हैरान हो गया, क्योंकि उसने देखा कि चींटियां गायब हो चुकी हैं। ये चींटियां कहाँ गायब हो गई, वो तो हमेशा काम करती रहती हैं। और उसी वक्त उसने देखा कि एक चींटी उसके पास आ रही है। वो चींटी अपने से भी बड़ा खाना लेकर जा रही थी। जब वो ग्रास हॉपर के थोड़ा करीब आया तो उसने वो गिरा दिया जो उसके हाथ में था। उसको थोड़े आराम की जरूरत थी। ग्रास हॉपर ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। तुम इसे कहीं लेकर जा रही हो इस टाइम? तुम जानते हो इस तरह तुम्हें लेकर जाने में बड़ा हादसा भी हो सकता है। नहीं, मैं पूछ सकता हूँ ये तुम क्यों कर रहे हो? हम इस सामान को जमा कर रहे हैं। अरे बेवकूफ, इस तरह तो तुम्हें बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे। हम ये सामान सर्दियों के लिए जमा कर रहे हैं। सर्दियों के लिए सामान अभी से जमा कर रहे हो? क्यों भाई, क्या वजह है? आराम करो, अभी तो सर्दियां बहुत दूर हैं। एंजॉय करो, बहुत टाइम है अभी। हमारी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम क्या करोगे? मैं कमाल का बंदा हूँ, कुछ भी कर लूंगा, तुम बेफिक्र रहो। तुम तो हमेशा आराम करते रहते हो, मैं तो खाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं इतना सब कुछ नहीं सोचता और वैसे भी गर्मियों में मैं कुछ ज्यादा ही आराम करना चाहता हूँ। उस चीते ने उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और उसने अपना खाना एक दफा फिर उठाने की कोशिश की। ये मैं अकेला नहीं उठा सकता, क्या तुम उसको उठाने में मेरी मदद करोगे? एक सिंगर और आर्टिस्ट को ऐसे काम नहीं करना चाहिए भाई। ग्रास हॉपर से ऐसा जवाब सुनने के बाद चीटे ने ग्रास हॉपर को एक बहुत ही अजीब सा चेहरा बनाकर दिखाया और अपना खाना दोबारा उठाना शुरू कर दिया। चलो मैं तुम्हारी एक मदद कर ही देता हूँ। ग्रास हॉपर ने उसको उसका खाना उठाकर दिया और उसको उसकी कमर पर रखा। चीटे ने उसको शुक्रिया कहा और वो अपने रास्ते चला गया। किस किस तरह के बेवकूफ लोग हैं। ग्रास हॉपर वापस पेड़ के नीचे आया। उसने थोड़ा सा खाना खाया और दोबारा गाना शुरू कर दिया। वाह वाह वाह, कितना प्यारा दिन है और मैं गाना गा रहा हूँ अपने वॉयलिन के साथ। मेरी आवाज तो देखो कितनी प्यारी है। और उसी वक्त एक गिलहरी अपने पेड़ से बाहर आई। चुप हो जाओ, बस कर दो, अपना गाना गाना बंद कर दो, मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रही हूँ। अचानक से ग्रास हॉपर ने अपना गाना रोक दिया। उसने गिलहरी को देखा, अपना वायलिन उठाया और वहां से चला गया। इन जाहिलों को क्या पता एक आर्टिस्ट की क्या इज्जत होती है। जब तक गर्मियों के दिन रहे, वो चींटियां अपना खाना ढूंढती रहीं। दूसरी तरफ ग्रास हॉपर अपना खाना खाता रहा, गाता रहा, घूमता रहा और खेलता रहा। आखिरकार सर्दियों के दिन आन पहुंचे।
एक दिन जब चींटियां जागी तो उन्होंने बाहर की तरफ देखा और उन्होंने देखा कि सब कुछ बर्फ से ढक चुका है। सारी चींटियां जंगल में रहने वाले तमाम जानवरों के बारे में सोचने लगीं और वो बहुत भूखे भी थे। दूसरी तरफ ग्रास हॉपर, जो कि बर्फ से बहुत तंग आ चुका था क्योंकि उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था, वो कांप रहा था, अपनी सारी ताकत खो बैठा था और अब वायलन भी नहीं बजा पा रहा था। अपनी सारी ताकत लगाकर वो बर्फ को हटा रहा था। अचानक उसको गर्मियों के दिन याद आ गए। कितने प्यारे दिन थे कि मुझे भी खाना जमा कर लेना चाहिए था। मैंने उनकी बात नहीं मानी, वो लोग बिल्कुल सही थे। और उसी वक्त उसको चींटियों के बारे में याद आया। उन्होंने बहुत सारा खाना अपने घरों में रखा था। फिर उसने सोचा कि ये आइडिया अच्छा नहीं है, क्योंकि गर्मियों में उसने एक चींटे का मजाक उड़ाया था। क्या वो अब उसकी मदद करेंगे? और अब ग्रास होपर को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। ये वक्त बहादुरी दिखाने का नहीं, मुझे कुछ करना होगा अपनी जिंदगी बचाने के लिए। वो सीधा चींटियों के घर की तरफ आया। वो दरवाजे के पास आकर खड़ा हुआ और चीखा, कोई यहाँ पे है, मेरी मदद करो। कौन है? अंदर से उसे एक आवाज आई। ग्रास हॉपर ने अपनी सारी ताकत लगाकर जवाब दिया, मेरे दोस्त चींटी, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं हूँ ग्रास हॉपर, मुझे अंदर ले लो। और इस बार ये सब सुनने के बाद चींटियों की शहजादी वहाँ आई। क्या हो रहा है? किसको मदद की जरूरत एक है? बेचारा ग्रास हॉपर है जो हमेशा गाने गाता फिरता था, मुझे लगता है उसे भूख लगी है। जिसको भी मदद की जरूरत हो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए। चींटियों की शहजादी और कुछ चींटियां बाहर आईं। ग्रास हॉपर सर्दी की वजह से बेहोश पड़ा हुआ था। चींटियों ने ग्रास हॉपर को उठाया और अपने घर में ले गए। ग्रास हॉपर को होश आया सिर्फ और सिर्फ चींटियों की वजह से। चींटियों ने उसे पानी दिया और खाना दिया। अब वो थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। ग्रास हॉपर ने शुक्रिया कहा और छोटे चींटे के पास चला गया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम लोग सर्दियों के लिए मेहनत करते रहे और मुझे कोई फिक्र ही ना थी। तुमने मुझे समझाया भी था पर मेरी समझ में ना आया, मुझे अफसोस है। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा सबक है। हम भी गाने गाते हैं और एंजॉय भी करते हैं, लेकिन अपने मुस्तकबिल के बारे में पहले सोचते हैं। हमने खाना जमा नहीं किया होता तो हमारी हालत भी आज तुम्हारी तरह होती। ग्रास हॉपर कुछ दिन तक उन्हीं के घर पर रुका। अब उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। जब जाने का वक्त आ गया तो चींटियों ने उसे कुछ खाना दिया। तुमने मेरे लिए जो किया उसका बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा और आज के बाद लेजी कभी नहीं बनूंगा। क्या मेरी एक मदद करोगे? जरूर, बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए। मेरे ख्याल से अब जब गर्मी आए तो तुम्हें म्यूजिक की प्रॉपर क्लास लेनी होगी ताकि लोगों को तुम्हारा गाना अच्छा लगे। हाँ।